नमस्कार दोस्तों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के बांदा जिला चिल्ला घाट में यहाँ उपस्थित है यमुना नदी किनारे। जिस यमुना नदी ने 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया दिल्ली में और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो निचले इलाके हैं वहाँ पे रात दिन यहाँ पे चर्चाएँ हो रही हैं कि यमुना नदी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस समय हम उसी यमुना नदी किनारे और चिल्ला घाट में यहाँ उपस्थित हैं। यमुना नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ने लगा है और 2-3 दिन से 3 से 4 फुट जो है जल स्तर यहाँ पे बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे जो चर्चा चल रही है कि दिल्ली के निचले इलाकों में खतरा मंडरा रहा है, तो दिल्ली में अगर हथनी कुंड का पानी और खतरे के निशान से यमुना नदी वहाँ पे बह रही है और 78 के साल का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2 से 2.5 मीटर ऊपर जो है खतरे के निशान से बह रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सामने आप यमुना नदी देख रहे हैं और दूसरी जो नदी है यहाँ पे ये है केन नदी, जो बांदा से होती हुई यहाँ पे आई है। और यही केन नदी है जिस नदी में अभी मछलियों की धाद आ गई थी और यहाँ बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी गई थी। अब बात करें यमुना नदी की, तो ये वही यमुना नदी है जो दिल्ली से होते हुए यहाँ पे आई है और ये चिल्ला घाट है। इस समय जो है दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और वही दिल्ली से घूमते हुए यमुना नदी यहाँ आई है। और ये सब निचले इलाके पड़ते हैं, जैसे कि अगर बात करें जिलों की तो यहाँ पे जैसे हमीरपुर जिला है, बांदा जिला है, तो इन्हीं से होते हुए यही यमुना नदी है, ये आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे केनाल है और चिल्ला ब्रिज है, तो यहीं पे होते हुए यमुना नदी जो है यहीं से गुजरी हुई है। दिल्ली का पानी है वो यहाँ पे असर करने लगा है। आप देख सकते हैं कि यमुना नदी की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक केन नदी की रफ्तार बढ़ी हुई थी तो केन नदी का पानी तेजी से चल रहा था और यमुना नदी शांत थी। अब आप देख सकते हैं कि केन नदी जो है एकदम शांत है, पानी थमा हुआ है और जो यमुना नदी है उसमें धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है। कहते हैं कि दिल्ली से यहाँ तक आने में जो पानी है वहाँ का, 5 दिन यहाँ वो पानी आने में लग जाता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा असर होने लगा है और 3 से 4 फीट पानी यहाँ पे बढ़ा हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है के पानी आने में कल रात तक भी वो पानी यहाँ आ सकता है, तो 5 दिन के अंदर 5 से 6 दिन लगते हैं, तो वहाँ का पानी आने में यहाँ समय लगता है, 4 से 5 दिन का यहाँ पे समय लग जाता है। लेकिन यहाँ पे असर अभी होने लगा है और यमुना का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। चिल्ला घाट में ये एक मोटर बोट है जो किसी भी परिस्थिति में काम आता है। क्या नाम भैया? हमारा नाम है अनंत कुमार। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वो जो पानी है दिल्ली से यहाँ तक आने में कितना समय लगता है? लगभग एक हफ्ता लग जाएगा। एक हफ्ता लग जाएगा। और यहाँ पे आप कितने देर से हैं यमुना नदी किनारे? यहाँ तो हम तकरीबन आए घंटा हो गया। अच्छा, आपके सामने जो है ये जो जल स्तर है कितना बड़ा हुआ है? पहले केन नदी आई थी, काफी बढ़ गई थी यहाँ से, उससे ऊपर पानी हुआ है कि अभी वही है? नहीं, हो गया ऊपर। मछली मारने के लिए यहाँ लोग कुछ दिखाई दे रहे हैं किनारे किनारे, उस पार भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं, शायद शिकारी ही है या फिर नहाने वाले हैं। और ये भी यहाँ देख सकते हैं 3 से 4 लोग यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में भले ही यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हो, पर यहाँ उत्तर प्रदेश में आते आते काफ़ी जो है जल की रफ्तार कम हो जाती है और पानी बढ़ जाता है। इसलिए जो दिल्ली में जो इस समय जो हालात हैं, दिल्ली में जिस तरह से यमुना नदी बह रही है, यहाँ आते आते पानी की रफ्तार काफ़ी कम हो जाती है। अगर जो हमीरपुर में है बेतवा नदी है वो भी अगर बढ़ रही है और यमुना भी बढ़ रही है, तो वो दो नदियों का जो जल स्तर है वो काफ़ी जो है बढ़ने लगता है। इसके बाद जो है चिल्ला में जो केन नदी है अगर वो भी बढ़ रही है और यमुना नदी ऊपर से बढ़ रही है, तो फिर दोनों नदियाँ जब बढ़ती हैं तो यहाँ बाढ़ की स्थिति बनती है और जल स्तर काफ़ी तेज़ी से जो है यहाँ बढ़ने लगता है। तो अभी तो यहाँ स्थिति नॉर्मल है, इतना ज़्यादा कोई खतरे की बात नहीं है, पर दिल्ली की बात सुन सुन के निचले इलाकों में जहाँ भी घाट पड़ते हैं, ब्रिज पड़ते हैं और जितने गांव हैं यमुना नदी के किनारे, वो लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। यहाँ लोग चर्चा करते हैं कि आज आ जाएगा पानी, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, आज रात को आ जाएगा, कल दिन में आ जाएगा, ऐसी बहुत सारी चर्चाएँ होती हैं। दिल्ली का भी पानी है जो हथनी कुंड से छोड़ा गया है वो अगर यहाँ तक पहुँचता है, इसके बाद जो है केन नदी है ये जो सामने बाढ़ आने से बह ना जाए, और शिकार खेलने वाली बोटें हैं ये, पर अब जो है जो शिकार खेलने का जो ठेका होता है वो ख़त्म हो चुका है और इसी कारण से जो शिकारी हैं अपनी अपनी बोट को
जमीन में डाल देते हैं, ऊपर डाल देते हैं, ताकि जो है बाढ़ में हमारी बोटें बह ना जाएं। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि रात में बाढ़ आ जाती है तो नावें जो है बह जाती हैं, और बाद में कई जन की नावें तो मिली भी नहीं है आज तक। तो इसी के कारण जो है ये सब बोट जो है सूखे में लोग चढ़ा के पलटी कर दिया करते हैं, और जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता है वैसे वैसे जो है इनको ऊपर लेके पलटाते जाते हैं। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, और हम अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह उत्तर प्रदेश की छोटी से लेकर बड़ी खबर आपको दिखाते रहें।